हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइज देख सकते हैं, आज मैं चार सॉकेट वाला वायरिंग बताऊंगा बिल्कुल आसान से, और नए आदमी के लिए ये बहुत अच्छा है, और इतनी क्लीन से समझाऊंगा कि आपके एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसको मैंने इस जगह सिर्फ ऐसे रखा है, और ये सब मैं वायरिंग करूँगा। किस तरीक़े से करूँगा वो आप लोग बने रहें। ज़रूरी नहीं है कि इसी डब्बा पे करें, आप किसी भी बोर्ड पे करें, सेम ऐसा वायरिंग आपको करना होगा। ये वाटर कूलिंग का कोई सिस्टम था, तो मैंने सोचा कि इसमें एक बोर्ड बना दूं, क्योंकि और इसमें मैंने एक बल्ब का जो होल्डर सॉकेट होता है वो मैंने इसमें टाइट करके, और इसका एक दो तार मैंने निकाल लिया है। इसका भी हम सेटिंग करेंगे, आपको हम ये चीज़ बताएंगे, आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें। और इसका किस तरीके से सेटिंग करना है कि एक सॉकेट के बाद एक स्विच काम करे और दूसरा सॉकेट के बाद दूसरा स्विच काम करे। तो इसमें चार सॉकेट है, चार इसके अंदर स्विच है, और हम इसको विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से इसमें जोड़ना है, कनेक्शन करना है। और इस तरीके से आप घर में भी वायरिंग कर सकते हैं, और किसी को पूछने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वीडियो स्किप ना करते हैं तो बिल्कुल आपको सही समझ में आ जाए। तो भाई देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले इतना इतना का तार आपको छील लेना है और कर लेना है, और इसको इस तरीके से आपको ये जो तीर का निशान है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ होता है। इस तरीके से आपको इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है, फुल टाइट करना है। ना भी टाइट ना करें। और उसके बाद इसका भी जो तीर का निशान आता है इस जगह, आप देख पा रहे होंगे, तो इसके ऊपर वाले भाग में आपको इस तरीके से जोड़ना है बिल्कुल प्यार से। अगर कोहर समेत डालते हैं तो अच्छा होता है, और मैंने कोहर समेत डाला है। अगर आपको कोहर समेत नहीं जा रहा है तो आप सिर्फ तार भी डाल सकते हैं। तो आपको इस तरीके से अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। और दोस्तों देख सकते हैं, ये जब बैठेगा तो ये इस तरीके से बैठेगा बोर्ड पे, ये दोनों तार ऊपर वाले पोजिशन में लगा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने सबका सेट बना लिया है, चार पीस सेट, ये चारों सेट इसका बन चुका है। आपको पहले ऐसे बना लेना है, देख सकते हैं, इस ऐसा आपको बना लेना है, एक ही तार में बीच बीच में करके छील देना है। और इस चार सॉकेट में कहाँ कहाँ लगेगा, बिल्कुल मैं आराम से बिल्कुल आस्थाई से समझ जा रहा हूँ कि जो कि आपको बिल्कुल, आप अगर कभी नहीं किया तो आप कर सकते हो। सबसे पहला एक पीस ऐसा उठाना है, इसके पहला भाग में इसको ऐसा डाल देना है दोस्तों, पहला भाग में इसको ऐसा डालना है और इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है, क्योंकि अगर ढील छोड़ सकते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है या आपका गल सकता है, इसीलिए आपको अच्छी तरीके से टाइट इसको कर देना है। मैंने एक कर दिया। इसी तरीके से सबका एक एक सॉकेट का जो है ये एक जोड़ इसके अंदर डाल देना है। तो दोस्तों अगर ये थोड़ा प्लस हो जाए तो वहाँ जाने में दिक्कत होगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा काट देना है जो कि सही अंदर जाना चाहिए। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, ये एक एक सॉकेट में आपको ये लगा देना है। इसी तरीका से ठीक है दोस्तों। अब फिर आपको ये वाला भी है, इसको भी हल्का मैं छांट देता हूँ, और छांटने के बाद तो दोस्तों ये आपको हम तीसरा वाला भी इसको इसमें डालते हैं। इसी तरीका से आपको डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको आपको टाइट कर देना है। ये देखिए, ये आपका टाइट हो गया। आप रही चौथे वाले में, तो चौथे वाले में भी इसको अच्छे तरीके से मोड़ देना है, इसको अच्छे से चाप करके। और चाप के आपको, ताकि इसमें इस वाले में भी ये घुस जाए। दोस्तों ये बड़ी अच्छी से हो रही है, और बहुत अच्छा से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, तो देख पा रहे हैं। ये आपका ये फाइनल हो गया। तो आपको इसमें जो लाइन लगेगा, कौन कौन से सॉकेट में लाइन लगेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देख पा रहे हैं, ये सब स्विच का एक एक पोल खुला हुआ है, एक दो तीन चार, चारों पोल में इस तरीके से। फिर आपको तीन जोड़ वाला पोजीशन कर लेना है, और ये तीनों में इस तरीके से जोड़ देना है।
तो दोस्तों मेरे हिसाब से यही सही है, और मैं आपको जोड़ के एक कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन, तीसरा कनेक्शन, चौथा कनेक्शन, वह मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको इस वाले में ऐसा डालना है और आपको इसको टाइट ऐसा कर देना है। फिर दोस्तों आपको दूसरा वाला इसको इस तरीके से आपको डालना है। इसको इस तरीके से आपको डालना है। अब फिर इसको इस तरीके से टाइट करना है दोस्तों। ये दो स्विच में मैंने लगा दिया है। अब इस वाले में भी, तीसरा वाले में भी आपको से लगाना है। और अगर इसका मुंह थोड़ा मोटा हो जाता है तो इसका मुंह थोड़ा प्लास की मदद से पतला कर सकते हैं, फिर इसमें आराम से चला जाएगा। और दोस्तों इसमें अगर आप 1.5 mm 1 mm तार लगाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि आप 0.75 mm का भी तार लगाते हैं तो भी ठीक है, लेकिन लोडिंग में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ये जो मैं बना रहा हूँ इससे आप वेल्डिंग मशीन भी चला सकते हैं। दोस्तों ये चारों पोजीशन का ये चार हो गया है, देख सकते हैं। और एक बचा है दोस्तों, जो आपको यहाँ ला करके छोड़ देना है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा वो तार बचा है, तो मैं इसको डायरेक्ट ही आपको इसको जरूर ऐसा अमेट देना है। अमेटने पर ये तार थोड़ा मजबूत हो जाती है, तो इसको आपको इस तरीके से यहाँ दोस्तों तार दूसरा हम ज्वाइंट करेंगे। फिलहाल इसको ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं, कम टाइट करते हैं, क्योंकि इसमें जो आउटपुट जो बाहर निकलेगा वो यहीं से निकलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से खींच के भी देख लेना, आपको कोई तार बाहर तो नहीं निकल रहा, कोई लूज तो नहीं है, दोबारा तिबारा चेक कर लेना। अगर इसमें आपको अर्थ वाली तार लगानी हो तो सब में से एक इसमें लगाना है, एक इसमें लगाना है, एक इसमें लगाना है और एक इस वाले में लगाना है। तो वो अर्थ भी आप जैसे तीन तार होते हैं तो वो अर्थ निकाल लेना है। और यहाँ तो अर्थ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत होनी चाहिए, लेकिन इधर अर्थ की ज़रूरत नहीं है, दो ही तार हम निकालेंगे। दोस्तों तो देख पा रहे हैं आप, मैंने इसमें MCB भी लगा दिया है और एक स्विच और लगा दिया है। एक स्विच क्या, इसी जगह का एक स्विच मैंने उठा के इधर कर दिया है। बाकी सेम वायरिंग जो मैंने आपको अभी दिखाया है, सेम इसका वायरिंग उसी तरीका से है। और मैंने ये तार भी, इसका जो मेन तार है, ये तार मैंने निकाल के ला के, और दो तार है इसका, देख सकती हैं दोनों कलर। तो एक कलर में तार मैंने एक MCB में लगा चुका हूँ मैं, इसका एक वाला तार एक MCB में लगा के, और दूसरा से MCB से आउटपुट ये मैंने निकाल लिया है। और निकालने के बाद एक मैं इस जगह जो है एक सीरीज भी सॉकेट लगाएंगे, जैसे कि हमको चेक करने के लिए, तो सीरीज सॉकेट लगाएंगे। और जैसे कि सीरीज कैसे बनाना है, तो दोस्तों जैसे कि बल्ब से दो तार निकला, और बल्ब से दो तार निकला तो एक तार आपको मेन लाइन में मैंने डाल दिया है, देख सकते हैं। एक तार मैंने ये वाला जो तार है, ये मेन लाइन का जो MCB से निकला है, तो ये एक तार डायरेक्ट मैंने मेन में डाल दिया है। और दूसरा वाला जो तार इससे निकला है डायरेक्ट, जो बल्ब का जो दो तार निकलता है उसमें से मैं एक तार बल्ब का एक तार इसमें डाल दिया है। और दूसरा वाला जो सीरीज का जो दूसरा तार निकलता है, तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये देख पा रहे हैं कि दूसरा मेन लाइन में डायरेक्ट मैंने डाल दिया है। अभी ये सीरीज का लाइट मुकम्मल हो गया है, सीरीज का लाइट मुकम्मल हो गया, देख सकते हैं। और अगर हम इसको लगाते हैं तो सीरीज हमको बताएगा कि ये मेरा सीरीज मुकम्मल हो गया है। तो मैं आपको चेक करके भी दिखाने का कोशिश में करूँगा, तभी आपको सही से समझ में आएगा कि क्या सही की क्या गलत। इसका अंत देख रहा हूँ, ये दोस्तों देख सकते हैं। अब मैंने इधर भी मेरा एक सीरीज बोर्ड है और मैं सीरीज में ही लगा रहा हूँ। चलो मैं मैन में लगा देता हूँ, और मैं मैन में लगा चुका हूँ इसको। अब मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये है, मैं इसको शॉर्ट करूंगा तो यहाँ की ये बल्ब जलनी चाहिए दोस्तों।
दोस्तों ये बल्ब जल चुकी है, देख सकते हैं। ये एमसी भी कटा हुआ था, ये देख सकते हैं, और ये हट गया। अगर इसको हम सीरीज से चेक करेंगे, ये शॉर्ट किए, ये बल्ब जला। गोया कि ये सीरीज मेरा फाइनल हो गया, सीरीज मेरा फाइनल हो गया। अब दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि दो तार ये माइन निकला, और दो तार में एक तार मैंने एमसीबी से निकाल के एक सॉकेट में लगाया, और जो दूसरा सॉकेट से जो तार निकला वो बल्ब में लगाया, और बल्ब का जो दो तार है वो इसमें लग गया, और एक तार ला करके दूसरा वाला जो मेन लाइन है मैंने उसमें लगा दिया। तो इस तरीका से यह स्विच का कनेक्शन होता है। अगर इसी में आपको जैसे कि दो तीन सॉकेट और मैं एक्स्ट्रा लगाऊं, तो ये इस जगह हो गया, और इसका जो जो चार सॉकेट है इसमें भी मैंने चार सॉकेट रखा है, और बीच में एक स्विच हटा के स्विच का जो जगह यहाँ कर दिया है, और जो एक सॉकेट इसको भी बोला जाए, इसको टू पिन सॉकेट बोला जाता है, इसको थ्री पिन बोला जाता है, पहले तो फाइव पिन था, अब लेकिन थ्री पिन आ गया। तो इस तरीका से आपको यहाँ एक एक करके आपको बैठाना है इस तरीका करके, और सबके बगल में एक एक स्विच बैठाना है। और जिस तरीका से ये कनेक्शन था, शायद मुझे आशा है कि आपको ये सब कनेक्शन आ ही गया होगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि हम एक ये सब जो सेटिंग किया हुआ है उसी में से एक तार मैंने इसको खोलना है, जहाँ पर से ये डबल का पॉइंट गया हुआ है, जो मेन लाइन से गया हुआ है, तो इस वाले को खोलना है। इस वाले को नहीं खोलना, इस वाले को खोलना है बाद में, पहले इस वाले को खोल देना है आपको। और एक वाला जो है ये वाला हिस्सा, तो दोस्तों इस वाले हिस्सा को हमने इसमें ला के लगानी है। और दोस्तों ये अगर हाथ से ना हो तो इसको आपको प्लास की मदद से ही करना होगा। और जिससे खोला है आपको उसी में इसको डालना है, इसको डाला है अच्छी तरीका से, इसको आपको टाइट करना है। और दोस्तों ये लाइट वाला काम है, सतर्क होके काम करना है, यदि लाइट वाइट देते हैं आप, क्योंकि लाइट को जिसने बनाया लाइट उसको भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसको भी लाइट मार चुका है। तो लाइट बहुत ही खतरनाक डेंजरस चीज़ है, उससे अपन को एक बार नहीं कई बार देख के समझ के फिर काम करना होगा, क्योंकि लाइट को कमज़ोर ना समझें, लाइट डेंजरस है, उसी हिसाब से आपको काम करना है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि मैंने जो सीरीज का दूसरा वाला तार इसके मेन में जोड़ दिया है, अब इसके एक फेस में लाइट आ चुका है। और दोस्तों अब इसके जो दूसरा फेस में लाइट देना है, तो इस तरीका से आपको बैठा करके देखना है, इस ऐसे करके आपको देखते चलना है कि कौन कितने नंबर पर आ रहा है। इसमें डिस्टर्ब इसलिए हमको हो रहा है कि ये बंद है, इसीलिए, वरना अगर इसको मैं इसमें अटैच कर लेता तो फिर ये तकलीफें नहीं आती और ये अच्छी तरीका से हो जाता काम। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सबसे लास्ट में है, तो इस लास्ट वाले में भी आप लगा सकते हैं ये वाला तार। तो दोस्तों लास्ट वाले में आपको, लास्ट वाले में अगर आपको लगाना है तो इस वाले में लगाना है आपको, ये जो मोटा तार दिख रहा है ये वाला स्विच यहाँ पर आप खोल लेंगे, क्योंकि एक बार में नहीं होगा, एक बार में हो सकता है दिमाग में नहीं घुसे, लेकिन आपको इसको खोल लेना होगा, फिर इसको अच्छे तरीके से आपको घुमाना होगा, क्योंकि मजबूत काम करना है आपको। उसके बाद आपको ये देखें, और इस तरीके से आपको ये फाइनल कर लेना है, क्योंकि दोस्तों अच्छा तरीके से आपको सब टाइट करने के बाद भी आपको एक बार चेक कर लेना है कि मेरा क्या सही टाइट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अगर एक जरा सा भी ढील रहेगा, क्योंकि इससे आपको वेल्डिंग मशीन से लेकर के ग्राइंडर वगैरह जितना भी चीज़ है सबका लोड एक बार डाल सकते हैं। मैं सबको बार बार देख लेता हूँ, दो तीन चूड़ी कसा जा रहा है, सबका ये मेन वाला कस लेना है, सबको मैंने कस लिया है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको, अब हम इसका सारा प्लानिंग, इसका सारा तार जुट चुका है आप देख सकते हैं, और ये जो स्विच इधर लगाए हैं, सोचें कि आप इसके यही स्विच का सेटिंग, तार थोड़ा लंबी करके मैंने इधर लगा दिया, क्योंकि इधर मैंने ये लगाया है, और अगर मैं इसको नहीं लगाता तो यही स्विच होता, इसलिए ये बढ़ गया, तो मैंने इस जगह होल करके लगाया है। और
इस जगह मैंने एक सॉकेट में मैंने सीरीज किया है, क्योंकि उस सीरीज का भी काम लेना है मुझे। तो इस तरीके से अगर आप बना लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है। इसका पूरा वायरिंग हो चुका है, अब इसको सिर्फ कसना है। और हम इसको कसते हैं और फिर हम आपको पूरा प्रैक्टिकल जला के चेक करा के दिखाते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। तो भाई देख सकते हैं इसको मैंने फाइनल बना दिया। और इधर एक मैन स्विच मान लें और या MCB 16 एम्पियर का लगा दिया है, तो थोड़ा बहुत कम शॉट में तो ये गिरेगा नहीं, इसके लिए हाई लेवल शॉट चाहिए। और इसलिए लगा दिया कि आपका जो 4 HP 3 HP तक का मोटर ये आराम से चलाता है, इसलिए मुझे सीरीज। और दोस्तों इसमें मैं लाइट देता हूँ और ये सीरीज को मैंने शॉर्ट कर रखा है और मैं लाइट देता हूँ, अगर ये ठीक होगा तो ये बल्ब जलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल जल रहा है। और उसके बाद ये मेरा दूसरा सीरीज बोर्ड है, तो उसका मैं शॉर्ट करके रखा है इस जगह। और ये उसका तार है, ये देख सकते हैं ये उसका तार है। और ये सब में मैं लगा के चेक करूँगा कि क्या इसका मतलब वायरिंग कैसा है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इसका वायरिंग काम कर रहा है। और इसका यह स्विच है, ये देख सकते हैं ये स्विच है, इस जगह यह स्विच है, ये काम कर गया इस वाले का। तो दोस्तों अब हम आते हैं इस वाले में, और इस वाले में क्या है, इस वाले का ये वाला स्विच है। तो दोस्तों ये भी काम कर रहा है। और फिर इसका ये वाला है, तो देख सकते हैं इसका स्विच दिया हुआ था जो जल गया, बिल्कुल काम कर रहा है। और ये वाला भी काम कर रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर 1, 2, 3 सॉकेट, बड़ा वाला एक छोटा, 4 सॉकेट के अलावा एक सीरीज का भी सिस्टम डाल दिया। आप पंखा वगैरह भी इस सीरीज से चेक कर सकते हैं, इस जगह सीरीज कर दे, अगर कोई लगा भी देगा इसमें मैन समझ के तो वो स्पीड कम होगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये सीरीज है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों मैं एक घर का जो बोर्ड होता है मैं वो भी लेके आऊँगा बिल्कुल आसान तरीका से। और हम आशा करते हैं कि इसका जो भी कनेक्शन है जो मैंने बताया आपको वो आपको समझ में आई गई होगी। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।